नीट की जनता को मेरा प्यार भरा सलाम। हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर से, लेकिन आज ना मैं कोई अपडेट लेके आया हूँ, ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, ना ही कोई न्यूज़ लेके आया हूँ। आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताने आया हूँ, कुछ डिस्क्रिप्शन देने आया हूँ और एक खुशखबरी भी लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं। मैं यूपी के बहराइच ज़िले के एक छोटे से कस्बे नवाबगंज का रहने वाला हूँ। मैंने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले के रहम व करम से नीट में मेरे 646 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि कोई भी अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने के लिए काफ़ी है। तो मैं सबसे पहले अपने उस मालिक के हकीकी का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतनी कामयाबी अता की। और दूसरा, मैं उन लोगों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो मेरी इस जर्नी में हमेशा साथ थे और मेरे लिए दुआ, दरख्वास्त, सारी चीज़ें करते रहे। ये जो सिलेक्शन हुआ वो सिर्फ मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ है, बल्कि मेरे साथ उन लोगों का भी हुआ है जो मेरे पीछे मेरे लिए दुआ कर रहे थे और मेरे साथ थे। और मैं स्पेशल थैंक्स दो लोगों को करना चाहता हूँ। पहला तो डॉक्टर शहनवाज खान सर, कि जिन्होंने इस मंजिल तक पहुँचने में हर तरह से मेरे साथ थे, हर तरह से उन्होंने कोशिश की और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और दूसरा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एलन कैरियर इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने इस मंजिल की बुनियाद रखी और इस ऊंचाई तक पहुँचने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो मैं उन सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मेरे लिए दुआ की, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेम्बर्स और भी बहुत से लोग जिन्हें मैं जानता भी नहीं, उन लोगों ने मेरे लिए दुआ की। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं उन लोगों से जो इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए, क्रैक नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो उस बॉर्डर लाइन तक पहुँच रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत ना हारें, अपने जोश और जुनून को बाकी रखें, क्योंकि मैं टूट टूट के फिर जुड़ा हूँ और फिर इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो मैं आपसे भी यह कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर के जुनून को बाकी रखें। हाँ, कुछ वक्त लें, उसके बाद फिर उठ खड़े होइए और जुट जाइए, कामयाबी तभी मिलेगी। क्योंकि तो एक शेर है, अर्ज करता हूँ कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। एक और शेर याद आ गया कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफा कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में। तो ऐसे ही आप लोग लग जाइए, जुट जाइए और बहुत से लोग, मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत से और मुझसे अच्छे नंबर वाले, वो आपके लिए इंस्पिरेशन हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे, तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेरी बातों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।